फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम है आपका अपने चैनल। तो संडे का दिन है, टाइम बज रहा है 8। झाड़ू मेरी लग गई है, पोछा भी नहीं लगाया है। बच्चे नहा रहे हैं अभी, तो पोछा गीला कर देते हैं ना, तो इस वजह से मैंने अभी लगाया नहीं है। नाश्ते में सोच रही हूँ मैगी बनाऊँगी, तो ब्रेड भी है और सोच रही हूँ मैगी बनाऊँगी, तो देखते हैं क्या बनाते हैं। और बस पोछा लगाऊँगी, थोड़ा बच्चों को नहला दूँ, उसके बाद पोछा लगाऊँगी, तो फिर उसके बाद सीधे नहा धो के नाश्ता बनाते हैं। और संडे का दिन है, मौसम आप देख रहे होंगे, रात को इतनी गर्मी हुई ना आज, खतरनाक वाली गर्मी, मतलब इतनी उमस। कूलर भी नहीं चल रहा था, उठा ही नहीं रहा था, क्योंकि जब ज़्यादा गर्मी होती है तो सबके एसी वगैरह चलते हैं, तो कूलर वोल्टेज ना कम ही उठा पाता है, तो नहीं उठा पा रहा था, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हुई थी। अभी तो मौसम अच्छा है, ठंडा सा लग रहा है मौसम, बादल है, लेकिन इन बादलों का कुछ पता नहीं कब चले जाए और कब से फिर गर्मी स्टार्ट हो जाए। मन कर रहा तेज़ बारिश हो जाए कि ठंडा हो जाए, लेकिन वही है, जितनी तेज़ बारिश होगी उतना ही ज़्यादा मतलब गर्मी होगी। आपको प्लांट्स दिखाती हूँ, मतलब प्लांट्स अच्छे हो रखे हैं सारे। बच्चे देख रहे हैं टीवी, इनका तो टीवी लग जाता है सुबह। इधर के प्लांट्स और इधर के प्लांट्स, तो चलो मिलती हूँ आपको बाद में। सो फ्रेंड, इसके बाद मैं आपको सीधे मतलब नाश्ता वगैरह करके सारा काम करके अब मिल रही हूँ। यहाँ पे पानी भरे थे, तो मैंने कहा चलो आज ना इसको साफ़ करती हूँ। मुझसे मतलब वही है, मेरे ना दर्द हो रहा हाथ में भारी काम करने से, बट मैंने ना खूब सारा पीताम्बरी निकाला और इतने अच्छे से मतलब सिर्फ लगाया मैंने, घिसने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी मुझे, तो लगाया मैंने। पहले मैंने पूरे चारों तरफ से लगा दिया, और उसके बाद मैंने फिर थोड़ा सा मतलब ये वो स्कॉच ब्राइट से रगड़ा ना, तो साफ़ हो गई बिल्कुल, जैसे आप देख ही रहोगे, इतनी अच्छी चमक गई थी, बहुत अच्छी। तो बोल रहे अच्छा, तो अच्छा तो ऐसे साफ़ करते हैं, ऐसे ही करूँगा मैं अब साफ़। होता है ना मतलब नहीं, अब मतलब मेरे हस्बैंड ना बहुत काम सीखे मुझसे आजकल ना, कि ये काम ऐसे करना कुछ भी नहीं आता था उन्हें, बट अब ये कि मजबूरी है तो काफ़ी कुछ सीख गए हैं, कि ये ऐसे करना है, वो ऐसे साफ़ करना है। आजकल भी जैसे कुकर कढ़ाई गंदी थी, तो मैं वो कर रही थी, मैंने कहा मैं कर रही, तो इन्होंने कहा नहीं मुझे बताओ किस कैसे कैसे, तो मैंने ऐसे बताया इसको ऐसे रगड़ो ऐसे, तो काफ़ी अभी ना कढ़ाई वगैरह भी साफ़ कर ली है। ऐसा नहीं है कि साफ़ नहीं है, थोड़ा बहुत मैं भी करती हूँ, तो देखो पीताम्बरी से कितना साफ़ हो गई है। तो एक ट्रिक है ये अच्छी सी, कि अगर आपकी मतलब तांबे की कोई बर्तन हो, अच्छा सा पीताम्बरी लगाओ खूब सारा, तो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो बस इसके बाद इसमें पानी भर देंगे, फ़िल्टर भी मैंने अब इधर निकाल दिया है, और कपड़े धुल ही रहे हैं, तो मैंने कहा चलो बाल अपने थोड़ा वो कर। आजकल ना बाल अजीब से रहते, क्योंकि पसीना होता रहता है, और नहाओ भी तो गीले ही ऊपर करने पड़ते, नहीं तो गर्मी होती है, तो बाल ना जीप से एक तो झड़ तो ऐसे रहे कि मैं मतलब ऐसा लग रहा है मैं टकली होने वाली हूँ। बस अब कुछ ही दिन बाकी हैं, तो इतने भयंकर हो रहे हैं बाल की क्या बोले, और बनाने का मन भी नहीं करता मेरा तो, बट ये कि बनाऊंगी भी नहीं तो और ज़्यादा उलझेंगी, फिर और ज़्यादा टूटेंगी, इसलिए एक बार दिन में कंघी तो करनी ही पड़ती है। और तो बस यहाँ पर फोल्ड कर दिए हैं, बस बाल तो आजकल ऐसी हैं, सीधे क्लेचर लगा लो, रबड़ लगा लो, ऊपर ही रहते हैं, और साथ साथ कपड़े भी मेरे धुल ही रहे हैं। तो ये रात के कपड़े हैं, रात को जैसे वो करते हैं ना, नहाते हैं ये लोग, तो उसी समय अंडरगारमेंट्स वगैरह धुल देते हैं, तो ये रात के हैं, हल्के हल्के हैं गीले, बट वो मैंने निकाल दिए हैं और इनको डाल देती हूँ। मौसम तो आप देख ही रहे हो आज, और संडे का दिन है, ये बताया होगा शायद मैंने व्लॉग में आगे, तो बस यहाँ पर कपड़े वगैरह डाल दूँगी। और सूख ही गए थे, धूप तो नहीं आई थी खैर आज, लेकिन सूख गए थे, और जितनी ज़्यादा ये बंद मौसम रहता है ना, उतनी ज़्यादा मुझे परेशानी होती है, मेरा ना ऑक्सीजन लेवल भी गिर जाता है इसमें जब मौसम ऐसा रहता है। तो बस और देखा मैंने, चेक करा ना मैंने, घड़ी में ही चेक करा मैंने, ऑक्सीमीटर तो नहीं निकाला, घड़ी में अपनी वॉच में ही चेक किया, तो कमी हो रहा है, मतलब जितना होना चाहिए नहीं है। तो चलो क्या करें, मौसम तो ऐसे ही रहेगा, अभी ये मौसम ही ऐसे टाइम ही ऐसे चल रहा है। तो ये कपड़े मैंने डाल दिए हैं, और कुछ कपड़े अभी आ नहीं रहे हैं, तो सीढ़ियों में डाल दूँगी, मतलब एडजस्ट करके ही डालने पड़ते हैं ऐसे ही, और वही ऊपर से बचने के लिए, एक तो कपड़े ऊपर डाल भी दो ना, तो फिर ये कि बारिश वगैरह हो जाएगी तो फिर ऊपर नीचे कौन भागेगा। तो बस यहाँ पे अब इसको भी सेट कर दूँगी, और ये कहीं जा रखे हैं अभी, ये हाँ किसी काम से जा रखे, पता नहीं कहीं किसी ने बुलाया था, तो ये यहाँ पर इसको कवर वगैरह लगा दूँगी, और कवर लग जाता है ना तो थोड़ा ठीक लगता है, मतलब धूल वगैरह नहीं लगती, वैसे धूल तो लग ही जाती है हल्की फुल्की, ऐसा भी नहीं होता है क्योंकि पतला सा तो है ये, बट ये कि थोड़ा अच्छा लगता है कि ये हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो बस अब दाल चढ़ाने आई थी, दाल भी चढ़ा देती हूँ, फिर उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, क्योंकि सुबह से लगे हैं
और तो यहाँ पे दाल ना मैं ऐसे चढ़ा रही थी, मैंने डाली है 3-4 प्रकार की दाल, मसूर मूंग उड़ा नहीं मसूर मूंग अरहर और एक वो लाल मसूर, मतलब क्या मलका बोलते हैं ना मलका, 4 दाल मैंने मिक्स करके डाली। और बच्चों को बड़ी पसंद आती है मेरी ये दाल मिक्स करी हुई ना, अच्छी होती है वैसे, मतलब सबका स्वाद आ जाता है ना, मूंग की दाल भी खाई जाती है, फिर इसलिए मैं इन्हें मिक्स करती हूँ। तो मिक्स करके मैंने बना दिए, थोड़ा डब्बे भी अरेंज कर दिए हैं। तो ये देखिए ये है 4 दाल, तो बस इसे चढ़ा दूँगी और धुल अच्छे से धुल के, क्योंकि वो तो रहता ही है इनमें, तो अच्छे से धुल के दाल चढ़ा दूँगी। फिर बस फिर इसके बाद मैंने बच्चों को बोल दिया था कि बच्चों थोड़ा पढ़ाई कर लो, फिर शाम को ये है कि पढ़ाई का इतना टेंशन ही रहेगा अभी पढ़ लोगे तो। तो इसके बाद बच्चों को पढ़ाया मैं, पढ़ने के लिए बिठाया। फिर उसके बाद खाना मैंने 12:30 बजे उठी मैं, फिर मैंने खाना बनाया 12:30 बजे, और 1 बजे बच्चों ने खा लिया था, क्योंकि नाश्ते में मैगी थी हल्का फुल्का ही था, तो मतलब फिर भूख ना जल्दी लग जाती है, अगर रोटी वगैरह ये रहता कि हैवी रहती ना, तो रोटी वगैरह तो थी नहीं आज, तो फिर ये कि हल्का फुल्का ही खाया था तो जल्दी भूख लग गई थी। तो दिन में मैंने बच्चों को सुलाया तो नहीं, क्योंकि फिर अगर बच्चों को दिन में सुलाओ फिर रात को सोने के लिए नखरे करते हैं वो, तो इस वजह से फिर मैंने दिन में बच्चों को सुलाया नहीं। और फिर बस ये कि फिर शाम को पढ़ाई की ज़्यादा टेंशन नहीं थी, थोड़ा पानी भी पी लिया है। और इसके बाद मैं आई अंदर, मुझे ना वो मैं सोच रही थी यार सावन चल रहा है, हमारा सावन तो शुरू हो गया ना 16 से, तो मैंने कहा चलो हरी चूड़ियाँ पहनते, तो देख रही थी हरी चूड़ियाँ तो रखी हुई थी, काफ़ी चूड़ियाँ रखी रहती है, तो ये दी थी मुझे करवा चौथ में किसी ने, पता नहीं देवरानी ने दी थी किसने, मैंने कहा चलो 4 चूड़ी डाल देती हूँ। लेकिन मैंने इस हाथ में पहना है ये ब्रेसलेट, तो ब्रेसलेट निकाला मैंने और इस हाथ में पहनी चूड़ियाँ, ब्रेसलेट मतलब पहले निकाल दिया था मैंने, इनसे बोल दिया था, अब दूसरे हाथ में पहन लिया था मैंने, लेकिन फिर पहन तो ली चूड़ियाँ, ब्रेसलेट भी पहन लिया, लेकिन पता ब्रेसलेट बाद में फिर मुझे निकालना ही पड़ा, क्योंकि इस हाथ में ना दर्द हो रहा है, नहीं पहना जा रहा है कुछ भी, जिसमें ऑपरेशन हुआ है ना उस हाथ में, तो उस हाथ में दर्द हो रहा है इसलिए उसमें कुछ पहना नहीं जा रहा, तो फिर बाद में मुझे निकालनी ही पड़ी। तो चूड़ियाँ दिखाती हूँ आपको, तो ये ढीली ढीली हैं तो पहनी गई, नहीं तो पहनी भी नहीं जाती क्योंकि दर्द हो रहा है ना। तो उस हाथ में ब्रेसलेट देख रहे होंगे आप, बट लेकिन मैंने फिर निकाल दिया था, मतलब अगले दिन सुबह मैंने ब्रेसलेट निकाल दिया था। तो ये है, पहन ली है सावन की हरी चूड़ियाँ, आप भी बताना आप लोगों ने पहन ली है क्या। देखो हन्नू के नखरे देखो, इसे नहीं पढ़ना, बोलता है मुझे रात को पढ़ना है, रात को अभी पढ़ लो, रात को फ्री हो जाओगे। ये देखो अब मेरा बेटा तो हो गया तैयार पढ़, मैं आरव को बोल रही आपके लिए नहीं बोल रही, मेरा आरव तो हो गया तैयार है ना आरव, चलो तैयार। शैतान कुछ है ना बेटा, जो बोलता वही होता है। तो गाइस नेक्स्ट डे मिल रही हूँ आपको, बच्चे हो गए हैं रेडी, दिख रहे हैं हनु सूज पहन रहा है, आरव सूज पहन रहा है, और आने वाले इनके चाचा, तो ये इनके चाचा जी आ रहे हैं, ये गए हैं लेने के लिए। वैसे कितनी बार आ रखे हैं बट वही है, मतलब थोड़ा कंफ्यूज हो ही जाते हैं ना। तो बनाई थी भिंडी की सब्जी और रोटी, पहन लिया तो चलो अभी रुको, पापा को आने दो पहले, बज रहे हैं 7 बजने वाले हैं, मतलब फिट 7 बजे निकलते हैं, ये अभी 55 हो रहे हैं, 6:55 हो रहे हैं, फिट 7 पे निकलते हैं यहाँ से। तो चलो गाइस इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं, वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हनु बाय बाय बाय।